सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि सपोज लेट द हाइट इन सेंटीमीटर, लेट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास बी। ये हमने एज्यूम करा, ठीक है, हमने अपनी तरफ से 10 स्टूडेंट्स की हाइट करी सेंटीमीटर में। कौन कौन सी हाइट करी? 125 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 134 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 144, 146 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी हाइट हमने सेंटीमीटर में अपने तरफ से एज्यूम करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले लिख भी दिया, लेट द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से हाइट एज्यूम करी, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, अपनी तरफ से कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हो, जो मैंने लिए आप इसके अलावा भी ले सकते हो कोई भी। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो रेंज क्या चीज़ होती है पहले ये समझ लीजिए। रेंज का मतलब होता है सबसे बिगेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे बिगेस्ट वैल्यू इस वाले डेटा जो आपको दिया गया है इसमें देखिए फाइंड आउट करिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं सबसे बड़ा नंबर ये वाला है 146, ये तो हो गया बिग नंबर, सबसे बिगेस्ट हो गया, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो हम इस वही डेटा में से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा 125, ये स्मॉलर हो गया, ठीक है, ये स्मॉल नंबर हो गया। तो रेंज जो होती है, रेंज जब निकालते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है सबसे बिगेस्ट नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर देते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू बिग नंबर में से स्मॉल को माइनस कर देंगे, स्मॉल को माइनस कर देंगे। तो बिग क्या है हमारे पास 146 और स्मॉल क्या है 125, 146 में से 125 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी, ठीक है। देखिए चलिए आगे, इसमें देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दी गई है, हाईएस्ट वैल्यू है 146। सबसे पहले वैल्यू देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर पहले लिखा हाईएस्ट वैल्यू अमंग दीज ऑब्जर्वेशन, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन में से कौन सी आई, 146, ये लास्ट वाली जो हमने अभी आपको सर्कल करके बताई थी। अब नेक्स्ट वन क्या आता है, लोएस्ट वैल्यू अमंग दीज ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 125, ये आपको बताई थी, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये रेंज का फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज। कहीं पर भी रेंज पूछे जाए किसी भी डेटा में से तो सबसे पहले हम दोनों, दो वैल्यू हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू और उसमें से लोएस्ट वैल्यू, दोनों की वैल्यू को बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 146 और स्मॉलर वैल्यू कितनी है 125, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 146 में माइनस कर दिया, ये हमारे पास 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज किसी भी क्वेश्चन में से निकालने का मेथड है। अगर समझ में आ गया ये तो टाइप करके यस बताओ।